what is Montessori and how it started. So this video is basically special for mothers, for the kids' problem that they face in school or doing homework from their mothers. So in this video, you are gonna find solutions of your kids' problem. So I want to talk about a little history behind Montessori. So there was a woman named Maria Montessori. So she was a psychiatrist of children. In a period of time, she got a lot of cases in which children were in depression. So she wanted to find out the reason behind this. So she visited the schools and found out that the teachers were being so strict to the children, so they were being depressed. So she researched on this to find her son Mario. So after a lot of hard work, she found out the solution and came up with Montessori. So now I'm going to tell the points she came up with. So can you give us some points that she came up with? Yes. The first point is that you have to clean the area you are going to do the presentation on. So no extra things are allowed. So now, you need a mat before doing every presentation. And now, you have to check the material which you are going to use for the presentation. Is it complete or not? So as I have these five markers over here, and I'm going to make five from addition. 1, 2, 3, like this, and plus 2. And now my material is not checked. I have not checked the material, so I don't have the five markers to put after the is equals to. और अगर फिर अब मैं ये markers उठाकर यहाँ से is equals to के आगे रख लेती हूँ, तो यहाँ से सारा empty हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा ये five क्यों है, कैसे है, बच्चे confused हो जाएंगे. और अगर मैं ये लेने जाती हूँ तो बच्चों की excitement और enjoyment खत्म हो जाएगी, उन्हें लगेगा कि मैं और activity नहीं करवाऊँगी. तो फिर आपको अपना material advance में check कर लेना चाहिए. Next है, you should take the consent of the child for presenting. आपको बच्चे की मर्जी ले लेनी चाहिए present करने से पहले. आप कहना चाहेंगे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए उससे कि यही करो. आप जबरदस्ती नहीं करोगे वरना वो interest नहीं लेगा और वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा. तो आपको बच्चे की मर्जी पहले लेनी है, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है. और next है कि आप जो जैसे अगर मैंने ये मार्कर्स उठाने हैं, यहाँ रखने हैं, तो आप बच्चों की हेल्प लेना ज़रूरी है कि बेटा अब जैसे मेरे से वो चीज़ दूर पड़ी है तो फिर वो बच्चा वहाँ बैठा है, बेटा वो पकड़ाओ बेटा ये. तो फिर आपको बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखना है, फिर वो सीखेगा इंटरेस्ट. बच्चे को उस पोजीशन में बिठाना है जिस पोजीशन में बच्चे को नजर आए. जैसे अगर एक टीचर राइट हैंडेड है वो बच्चों को लेफ्ट हैंड पे बिठाएगी, और जो टीचर लेफ्ट हैंडेड है वो बच्चों को राइट हैंड पे बिठाएगी. क्यों, पर्पस क्या है, रीजन? बच्चे ने तो देखना ही हो तो किसी भी साइड से देख. नहीं, रीज़न ये है कि जो टीचर राइट हैंडेड है वो राइट हैंड से लिख रहे होंगे और उनका जो एल्बो, उनका जो हैंड होगा वो ब्लॉक करेगा बच्चों को और उन्हें दिखेगा नहीं अगर वो राइट हैंड से लिख रहे होंगे और उन्हें राइट हैंड से ही बता रही होंगे बैठे होंगे बच्चे. और ऐसे सेम है कि लेफ्ट हैंड से लिख रही होंगी, लेफ्ट हैंड पर बच्चे बैठे होंगे तो उन्हें भी नज़र नहीं आएगी. जी, ये बात वैसे बच्चे का क्लियर क्लियर होगा, उससे सब कुछ क्लियर दिखेगा. जी एग्जैक्टली. अब नेक्स्ट है कि आपको बच्चे को इनकरेज करना है पार्टिसिपेशन में. और जो बच्चे को आता है बच्चे को कहना है कि वो करे, जो उसको आता है वो करेगा उसको फिर होगा. और आप ये नहीं कहोगे, अगर वो गलत करेगा तो ये नहीं कहोगे कि बेटा ये आपने गलत किया है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना था. फिर बच्चा कहेगा कि मुझे नहीं आता, मैंने नहीं एक्टिविटी करनी. आप कहो हाँ जी आपने ठीक किया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें और थोड़ा सा ऐसे कर दें तो बच्चे का इंटरेस्ट भी रहेगा और हम आप उसको राइट भी कर दोगे. और इससे क्या होगा कि बच्चे को होगा कि मुझे आता है, वो इंटरेस्ट लेगा कि मुझे आता है, मैं करता हूँ. तो फिर ऐसे आप बच्चे को ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं.
बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि आप बच्चे को पार्टिसिपेट कराएं अंदर और उसे परमिशन दें कि जो उसे आता है वो बताए, और अगर आप उसे डायरेक्ट ये कह देंगे कि ये नहीं ठीक ये तो फिर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब है कि प्रेजेंटेशन करवाते हो या बोलोगे नहीं, या बोलते हो या प्रेजेंटेशन करवाओगे। एग्जैक्टली सोचना कॉन्सेंट्रेट। यस, अब ये देखें एग्जांपल, अगर किसी को नहीं समझ आ रही बोलते हो नहीं करवाना और करवाते हो नहीं बोलना, इसका मतलब ये है जैसे आपने कहने के ये 4 मार्कर्स यहाँ रखने हैं, तो दिस इज द रॉन्ग वे कि आप कहो ये 4 मार्कर्स यहाँ रखने हैं, बोलते बोलते ये मार्कर्स रख दो। बच्चा क्या है कर रहा, वो आपके वास पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि टीचर क्या कह रही है, और फिर उसे है कि फिर टीचर करके दिखाएंगे, लेकिन वो अगर आपकी वास पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा, अगर आप रख भी दोगे तो उसे समझ नहीं आएगी। तो आप पहले बोलोगे कि ये 4 मार्कर्स यहाँ रखने हैं, फिर रखोगे, फिर एग्जैक्टली विद दिस 1 मार्कर यहाँ रखना है, फिर रखोगे। यस, सो आई गेस दिस वन शुड बी क्लियर फॉर यू, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया आपको, अब आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, अब आपको आप लोग की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा है। कॉल द चाइल्ड व्हाइल वाइंडिंग अप द एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आप जब एक्टिविटी खत्म कर रहे हो तब भी आपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना कि आप जैसे आपने चीजें उठानी आप बच्चे को साथ इन्वॉल्व करो, कि जैसे मैट आप यूं करो, ये सारा आप इन्वॉल्व करो उसको। और नेक्स्ट ये है कि आप बच्चे को प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ब्रीफ, लाइटर और एक्यूरेट होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन को बच्चे को समझ आनी चाहिए बिल्कुल ठीक, के जैसे आप एडिशन करवाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने आपको शुरू में इन मार्कर्स से एग्जांपल दी थी, आप एडिशन करवाने की जरूरत वो कोशिश कर रहे हो, ये आपका मकसद नहीं है कि आप एक्टिविटी करवाओगे और चले जाओगे वाइंड अप करके, नहीं। बच्चे को समझाना मतलब है कि बच्चे का एक्टिविटी आप इसलिए करवाते हो क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उसमें और उनको समझ आ जाती है, तो आप उन्हें अच्छी तरह समझाओ कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। और एक्टिविटी करते बच्चे को पता नहीं चलता कि वो पढ़ा या कुछ और, उसे लगता है गेम है और वो करते करते yes, तो आपको आपको बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करके फिर उसको बात करना है। अगर एक भी बच्चे को नहीं समझ आया तो फिर आप दोबारा समझाओ और सब कुछ। You will never say the child that he is or she is wrong by doing the activity. आपने कभी बच्चे को ये नहीं कहना कि वो गलत कर रहा है जब वो present कर रहा होता है। जब वो present कर लेगा तब आप उसे कह दो मामा आंटी टीचर जो भी हैं आप, वो आपको दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ, और फिर बच्चा जब आप दोबारा करके दिखाओगे बच्चा अपनी mistake खुद समझ लेगा। इसका मतलब आपने बच्चे को एक्टिविटी के दौरान नहीं कहना कि आप ये गलत कर रहे हो, इंटरप्ट नहीं बताना, एंड में बताना लाइक मामा हैं, टीचर हैं, आंटी हैं, कोई भी है, तो उन्होंने उसको दरमियान में नहीं रोकना कि अब आप रुक जाओ आपने गलत कर दिया, आपने एक्टिविटी दोबारा उसको करवानी है, समझानी है, ताकि उसका बात क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसकी गलती लाइक उसे लगे ना कि उसने गलती की थी कहीं, अब अपनी गलती खुद। अच्छा, तो फिर अब आपको बच्चे को इस तरह बनाने जिस तरह आप चाहते हो, आप चाहते हो कि वो रिस्पेक्ट करे हायर क्लासेस में जाके टीचर्स की, आपकी रिस्पेक्ट करे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, तो फिर आप उसको वैसा बनाओ जैसा आप उसको चाहते हो, आप उसका लव विन करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको आप उसको अंडरस्टैंड करो, उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ऐसे आप उसको जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हो। यू आर ट्राइंग टू से कि आपने बच्चे को अपनी मर्जी नहीं करवानी, उसका भी करना, और इससे जब वो हायर क्लासेस में जाएगा जहाँ भी जाएगा तो उसे टीचर का रिस्पेक्ट करनी है कि अगर आप अभी से उसे कहोगे। और यस, बिकॉज मॉन्टेसरी ऐसा लेवल होता है जिसमें बच्चे की एज छोटी होती है और बच्चा जो होता है वो और जो ज्यादा समझ सकते डेवलप हो जाती है, वो भर्ड होते तक वही रहती है, आपकी आदतें नहीं चेंज।
तो फिर जो कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर्स और कुछ होते हैं फास्ट लर्नर्स। फास्ट लर्नर्स जो बच्चे होते हैं वो तो आपकी बात पिक कर लेते हैं जल्दी, लेकिन जो स्लो लर्नर्स होते हैं आपको उनको भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, और वो आपकी बात जल्दी नहीं पिक कर सकते। आपको उसको उनको समझाना चाहिए, उन्हें अटेंशन देनी चाहिए उनको, ऐसे नहीं कि इनको नहीं समझ आती मैं इनको नहीं समझा रही। आपको उनको बताना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऐसे आप उनको भी फास्ट लर्नर्स बनाओ। पॉइंट्स ऑफ माया मोंटेसरी, इन पॉइंट्स से हमें ये पता चला है कि एक जो बच्चा है हमने उसकी ग्रूमिंग कैसे करनी है, उसे जब वो बड़ा होगा तो उसे रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और लोगों की रिस्पेक्ट करना कैसे सिखानी है, और उसकी आगे जाकर सोसाइटी में पर्सनैलिटी, और वो एक यूजफुल पर्सन बने आगे जाकर फ्यूचर में। और जब बच्चा जब छोटा होता है मॉन्टेसरी में होता है तब जो उसकी आदतें डिवेलप हो जाती हैं, बड़े होते तक वही रहती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। बच्चे छोटे होते हुए ज़्यादा पिक करते हैं बातों को और जिनको पिक कर लेते हैं फिर उन्हें वो छोड़ते नहीं हैं। I hope that this video was very informative for you. If this video was informative for you, like this video, subscribe this channel, and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz.